हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद रिपोर्ट विद नेचर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। और जहां तक मैं जानता हूं कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर आपको फैटी लिवर की कंडीशन हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है, बिकॉज लिवर जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और अगर हम देखें तो इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन साइड योर बॉडी। तो लिवर अगर फैटी हो जाता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। वन इज इट कैन बी एन अल्कोहलिक फैटी लिवर, एंड द अदर वन इज कि वो एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अल्कोहल ज्यादा पीने से ही फैटी लिवर होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अल्कोहल नहीं भी पीते और आपका लाइफस्टाइल खराब है तो भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर के कॉजेज क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा कॉज ये हो सकता है कि अगर आप ओवर कंज्यूम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो आपका लिवर फैटी हो सकता है। जो लिवर होता है हमारी बॉडी में, ये ऑर्गन, दिस ऑर्गन ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ फैट, बट अगर इसमें 10% से ज्यादा फैट बढ़ जाता है तो ये आपकी कंडीशन खराब हो जाती है और आपको फैटी लिवर की सिचुएशन हो जाती है। अब लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करना और बाइल को सेक्रेट करना, जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है। और जब लिवर फैटी हो जाता है तो ये दोनों ही काम करना ये असमर्थ हो जाता है इन दोनों काम करने के लिए। तो सिम्टम्स क्या होते हैं फैटी लिवर होने के? अगर आप अपने आप को डायग्नोस कराते हैं तो आपका जो लिवर है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और साथ ही साथ आपका जो अब्डोमन है वो भी एनलार्ज नजर आता है अगर आप प्रॉपर तरीके से अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको थकावट महसूस हो सकती है, आपको डिप्रेशन महसूस हो सकती है, आपको भूख ना लगना भी एक बहुत बड़ा कारण है। सडनली आप बहुत ज्यादा वेट लॉस कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपका लिवर फैटी है। एनर्जी लेवल्स काफी ज्यादा गिर जाते हैं शरीर में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको फैटी लिवर की कंडीशन है। इस चीज में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपने डायग्नोस करा लिया है वो तो एक अलग केस हो गया, बट अगर आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो भी आपको फैटी लिवर की कंडीशन हो सकती है। यहां तक कि देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनमें भी काफी ज्यादा फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टडीज कहती हैं 65% लोग जिनको डायबिटीज है उनको फैटी लिवर होता ही है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स, डायग्नोसिस और फैटी लिवर होता क्या है। बट आज की वीडियो का मेन मुद्दा यह है आपको समझाना कि आप फैटी लिवर की कंडीशन को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। यस, इट कैन बी रिवर्स विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइट। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको मैं आज कुछ फूड आइटम्स बताने वाला हूं, इनका अगर आप सेवन करते हैं डे टू डे लाइफ में तो आपका फैटी लिवर का कंडीशन रिवर्स हो जाएगा, आपका लिवर वापस हेल्दी होने लग जाएगा। तो ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं फूड आइटम्स जो हैं? तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट के बारे में हम जान लेते हैं, वो है लहसुन यानी गार्लिक। गार्लिक में देखा गया है और काफी रिसर्चेस में भी कहा गया है कि लहसुन खाने से आपके शरीर में फैट बर्न होता है और फैट कम होता है। इसमें काफी ज्यादा हेल्दी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो लहसुन खाने से आपके फैटी लिवर की कंडीशन ठीक हो सकती है और रिवर्स हो सकती है। नंबर टू, कॉफी। देखा गया है और रिसर्चेस भी बताती हैं कि कॉफी पीने से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाती है, और ये काफी ज्यादा मदद करता है आपके लिवर को फैट बर्न करने में। और अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में एक कप कॉफी ऐड कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर थ्री, ब्रोकली। ब्रोकली एक क्रूसीफरस वेजिटेबल होता है और ये उन फूड ग्रुप्स में आता है जैसे कि स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कहा जाता है और रिसर्चेस भी मानती हैं कि क्रूसीफरस फूड अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो फैटी लिवर की कंडीशन में काफी ज्यादा मदद करता है आपके शरीर की, क्योंकि ये बाइल सेक्रेशन में भी काफी ज्यादा लाभदायक होता है। नंबर फोर, ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाली है, जैसा कि देखा गया है और स्टडीज भी मानती हैं कि ग्रीन टी में होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, और साथ ही साथ वो आपके टोटल बॉडी में जो फैट की परसेंटेज है उसको कम करने में काफी ज्यादा लाभदायक होता है। तो फैटी लिवर की कंडीशन में अगर आप ग्रीन टी का सेवन करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नंबर फाइव, सोय एंड वे प्रोटीन। अब ये तो दोनों फूड आइटम्स हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा कम होते हैं फैट्स में और काफी हाई होते हैं प्रोटीन में। और देखा गया है कि अगर आप प्रोटीन का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो आपके लिवर के फैट्स बर्न जल्दी होते हैं और आपके ओवरऑल बॉडी के फैट्स भी काफी जल्दी बर्न होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नंबर सिक्स, वॉलनट्स। जी हाँ, अखरोट भी काफी ज्यादा लाभदायक होते हैं फैटी लिवर की कंडीशन में, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ये मदद करते हैं आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में और ये लिवर की हेल्थ को बढ़ाते हैं और फैट्स को बर्न करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। नंबर सेवन, सनफ्लावर सीड्स। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी सनफ्लावर सीड्स का सेवन नहीं किया होगा, बट सनफ्लावर सीड्स बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ई का, साथ ही साथ इसमें काफी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं फैटी लिवर की कंडीशन में तो ये फर्दर डैमेज से आपके लिवर को बचाता है और ये मदद करता है आपके लिवर को वापस रिवाइटलाइज होने में और रिपेयर होने में। नंबर एट, ऑलिव ऑयल।
ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके लिवर के एंजाइम्स को कंट्रोल करने में, और साथ ही साथ ये आपका वेट भी कंट्रोल करता है। तो जब वजन घटेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में से फैट बर्न होगा, और जब फैट बर्न होगा आपकी बॉडी में से तो आपका फैटी लिवर का कंडीशन भी रिवर्स होने लग जाएगा, क्योंकि फैट जो है आपके लिवर पे वो भी साथ साथ बर्न हो रहा है। तो ऑलिव ऑयल का सेवन आप कीजिए और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये तो हो गए वो फूड आइटम्स जिनको आपको खाना है रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी फैटी लिवर की कंडीशन को रिवर्स करने के लिए। बट लेट मी टेल यू, देर आर सम फूड जो आपको अवॉइड भी करने हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अल्कोहल अवॉइड करना है, एडेड शुगर्स अवॉइड करने हैं, मीट आइटम्स जो हैं रेड मीट स्पेशली वो आपको अवॉइड करना है, फ्राइड फूड आपको अवॉइड करना है, पास्ता अवॉइड करने हैं, व्हाइट ब्रेड आपको अवॉइड करनी है, और राइस भी आपको अवॉइड करना है, सो दैट आप जल्दी से जल्दी रिकवरी कर पाएं और अपनी फैटी लिवर की कंडीशन को रिवर्स कर पाएं और अपने शरीर को बेहतर बना पाएं। सो देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको फैटी लिवर की कंडीशन है तो ये भी एक तरीके की इन्फ्लेमेशन है जो आपके शरीर में बन रही है। तो इन्फ्लेमेशन के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं इन्फ्लेमेशन क्या होता है, और आप एक और लिंक पे क्लिक कर सकते हैं ऊपर, उसमें आपको बताया गया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन से होते हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद एक और लिंक आपको फ्लैश हो रहा होगा, ये आपको बताएगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स एंड स्पाइसेस कौन से होते हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको जानना है कि टर्मरिक टी कैसे बनती है तो उसके लिए भी आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हाउ टू मेक अ वेरी गुड टर्मरिक टी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।